नमस्कार, मैं रामजीव प्रसाद, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लैब न्यूज चैनल। जैसे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे हर पार्टियां अपनी पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। तो वहीं आज पटना के एक निजी होटल में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने अपनी पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए अंसारी महापंचायत के साथ गठबंधन किया और कहा कि हमारी पार्टी, जो भी और पार्टी आनी चाहती उनका भी स्वागत है। मैं कहता हूं जेब में 40,000 रुपया नहीं, इसकी लड़ाई है। मैं एक बार पुनः अंतिम प्रेस से आग्रह करूंगा, आप चिंता मत करिए। एक बड़ी कि आपको मैंने कहा था कि धीरे धीरे पीडीए बिहार बचाने का बड़ा हिस्सा होगा और पप्पू की कोई महत्वाकांक्षा नहीं, अंतिम पौधान पर होगा। मेरे नेता यहां बैठे। ये सब कोई कृष्ण है तो कोई राम, कोई रहीम, ये तो भैया सुदामा है। मीरा की तरह इन लोग में हम खोए हुए हैं और बिहार की जनता में। मीरा तो सिर्फ खो करके ही सब कुछ करती है, इसीलिए आप घबराइए नहीं। कांग्रेस बड़ा दिल दिखाए बिहार बचाने, पप्पू आपसे बड़ा दिल दिखाएगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। और फिर आग्रह करूंगा कुशवाहा जी से भी कि कुशवाहा जी, ये मुख्यमंत्री और का सपना बाद में हम लोग देख लेंगे मिलके। आप मुख्यमंत्री बने, पप्पू भी सब खड़ा होगा, लेकिन पहले इकट्ठे हो, मजबूती से आए, कांग्रेस भी आए, एक नहीं 7 डिप्टी सीएम बना ले, 3 ठोट सीएम बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस संप्रदायिकता से और जातीयता से बिहार बचाइए, यही मैं आग्रह करूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद एक बार अंसारी महापंचायत के हर जिले से आए साथियों का, युवाओं का, बुजुर्गों का, आप मेरे लिए स्वर्ग तुल्य और देव तुल्य। और खास तौर पर अपमानित होकर के भी आप खाक बनते हैं हमेशा, ये कांग्रेस का नेचर है भारत को बचाने का। मैं कांग्रेस को बधाई देता हूं कि हमेशा आप इस बड़ी संप्रदायिकता के आग के बीच आप मिडल ईस्ट में बुद्धम शरणम गच्छामि संगम शरणम गच्छामि, जय भीम जय बुद्धाय नमः के मिडल ईस्ट की तरह समाज को ले चलने की जो आपकी प्रवृत्ति रही, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन आपको बिहार बचाने के लिए राजद परिवार से आपको छुटकारा लेना पड़ेगा। यदि एक तरफ नागनाथ है तो दूसरे तरफ सांपनाथ है, एक तरफ गड्ढा है तो तीसरे तरफ खाई है, एक तरफ संप्रदायिकता है तो दूसरे तरफ जातिवाद है। ना तो संप्रदायिकता चलेगा ना जातिवाद चलेगा, चलेगा तो ये मंचों का संगम समाजशास्त्र और मानवतावाद चलेगा। यही है मानवतावाद का मिश्रण, यही है समाजशास्त्र का मिश्रण। बगैर मानवतावाद के राष्ट्रवाद की कल्पना नहीं की जा सकती, बगैर समाजशास्त्र के बेहतर राजनीतिक शास्त्र की कल्पना नहीं की जा सकती। इसीलिए मैं फिर अपील करता हूं कांग्रेस से, बिना सत समर्थन आपको रहेगा, लेकिन हम लोग ने जो संकल्प लिया, कल हम एक बार नहीं कई बार हम आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब से मिले, हमने कहा कि आप पीडीए ने जो बिहार का सपना देखा उसके लिए आप आगे आए, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी कहलाएं। और मैं प्रकाश साहब को धन्यवाद देता हूं, उसने बड़ा दिल दिखाया कि पप्पू जी संप्रदायिकता को रोकने के लिए हम कुछ भी करें, और उनका ये कैरेक्टर रहा है, अंबेडकर साहब के पोते हैं। मैंने जसवंत सिन्हा साहब से अपील की और फिर मैं अपील करता हूं बिहार बचाने वाले हर उन लोगों को, उसमें अपने सारे साथियों, हमारी सामाजिक ताकतों को भी उन्हें एहसास करना पड़ेगा। मैं अपने गठबंधन के साथ कांग्रेस के साथ खड़ा हूं, ये बिल्कुल क्लियर, और मैंने ये बात कांग्रेस से कह दी। भरोसा रखिएगा हम पर कि हम लोग इस गठबंधन के हित के लिए हम कोई भी कुर्बानी देंगे,
और इस गठबंधन का सम्मान सबसे ऊंचा होगा। मेरे कुर्सी और पदों से ऊंचा ये गठबंधन का रेस्पेक्ट है, कोई माने नहीं। जिसको पॉजिटिव का डर ना हो, सब पॉजिटिव हो गया, हम ही तो अकेले निगेटिव बचे, सब एसी में सूखने वाला पॉजिटिव, हम निगेटिव। और हमको लगता है चंद्रशेखर जी भी डेली 1-2 हजार लोगों से मिलते हैं, तो वो भी निगेटिव है। आदरणीय विधायक जी आज ऊपर आ जाए, विधायक जी को बैठे कुर्सी दे, कोई विधायक कुर्सी लो भाई। जिस तरीके से विधायक पर बीजेपी के द्वारा हमला हुआ, जान मारने की साजिश, रामचंद्र जी, इसीलिए बीजेपी से कोई लड़ सकता है बिहार में, ये गठबंधन है, इसके अलावा कोई लड़ने की हिम्मत नहीं है। जो लोग कहते हैं बीजेपी, अरे लालू जी बीजेपी तो 15 साल से है और 7 साल से भारत में बीजेपी है, अब जो यह कहता है बीजेपी आ जाएगा, हम लोग कहते हैं बीजेपी रहे लेकिन आप लोग जाइए, आप लोग को भेजना जरूरी है। ये बीजेपी का डर मुसलमानों को मत दिखाई, दलितों को मत दिखाई, दलित अपनी लड़ाई लड़ना जानता है। जिस तरीके से जोगी के खिलाफ चंद्रशेखर लड़ रहे हैं और भी पार्टी पैसे ले रुक जाइए ना, हम लोग भी तो ऐसे फोटो ले रहे हैं। अरे हाँ सर, लेना भाई कपड़ा नीचे। कैमरा पर्सन साथ रामजी प्रसाद की रिपोर्ट।